अब अगर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्रोनीमीटर को टेस्ट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह चलें भाई। ये दूसरा पैलेट हिट कर रहे हैं, 711 FPS दिए पहले पैलेट ने, ठीक है 237 था और 237 ज़रब 3 करना पड़ता है। अब करते हैं 216, 748। चलें बुकर भाई एक दो पैलेट और हैं तो वो हिट करें कि हम थोड़ी सी सेटिंग सीखेंगे। अभी सेटिंग की समझ नहीं आ रही, ठीक है यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखेंगे उसके बाद, क्योंकि ये बुकर भाई अभी यार्ड में बता रहे हैं, यार्ड में बता रहे हैं, ठीक है अभी यार्ड में बता रहे हैं, जिस वजह से इसकी सेटिंग है। तो अगर किसी सीनियर हंटर को पता है तो काइंडली वो हमारे साथ शेयर करें, ठीक है यूट्यूब के ऊपर हम इसकी वीडियो देख लेते हैं। अभी यार्ड में बता रहा है तो इसका मतलब 216 आ रहा है या 218 आ रहा है या 230 आ रहा है, इसको ज़रा हमने करना है 3 के साथ, तो एक्चुअल जो इसके FPS हैं वो आपको मालूम हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अबू बकर भाई कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ना इंशाल्लाह इसको बिल्कुल फिट करेंगे। ये कि शुक्र है अल्लाह पाक का, बगैर देखे हमने इसको अभी सेट किया है तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की एक अनबॉक्सिंग वीडियो कोमेटा फिनिक्स 400 प्रीमियर, और इसके साथ स्कोप कौन सी है अबू बकर भाई? आर्टिकल की 416 की स्कोप है। सबसे पहले रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमें पेमेंट भिजवाई KPK से इस ब्यूटी की। अबू बकर भाई सबसे पहले अनबॉक्सिंग करें और फर्स्ट लुक दिखाएं रियाज भाई को, जो बेसब्री से अपनी ब्यूटी को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। और स्कोप है 416 की है, 416 आर्टिकल की स्कोप है। अभी हम इस ब्यूटी की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं उसकी, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। और इसके FPS भी चेक करने हैं इंशाल्लाह, इसके FPS भी चेक करेंगे। और बंडल ऑफ थैंक्स उस बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, जिन्होंने हमें क्रोनोमीटर गिफ्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आपके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। स्पेशली दुआएँ हैं हमारी आपके लिए अबू बकर भाई और मेरी तरफ से। और ये उनका अबू बकर भाई बहुत ही प्यार भरा गिफ्ट होगा, वो कह रहे हैं कि ये मेरी आपको याद दिलवाता रहेगा जो क्रोनोमीटर है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, अब इजी हो जाएगा अबू बकर भाई। अब जो भी एयर राइफल आएगी उसकी हम FPS ऑन द स्पॉट पहले FPS बताएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ही उसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारा लुक है यार इसका, देखो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। लुक देखें आप इसकी माशाल्लाह, फिनिशिंग देखें बहुत ही कमाल की है, फिनिशिंग है इसकी। कलर तो देखें, डिज़ाइन तो देखें, हद हो गई है यार, इतना प्यारा माशाल्लाह। इसको अल्लाह ताला नज़रबद से महफूज रखिए, आमीन सुमा आमीन। लोड करें अनलोड करें और इसकी, हाँ अनलोड हो जाती है, कोमेटा की तो यही खासियत है, डियाना की तरह ये भी अनलोड हो जाती है। इसमें भी बैरिंग बॉल है, बाकी आगे थोड़ा सा साइलेंसर लगा हुआ है। ओके ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है। स्कोप की अनबॉक्सिंग करनी है या नहीं करनी? स्कोप की अनबॉक्सिंग भी हम कर देते हैं इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसका फर्स्ट लुक आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये स्कोप टॉर्च टेस्टेड होती हैं स्प्रिंगर के लिए, ये बेस्ट स्कोप्स हैं। 340 की टीगल की 340 एक लाइट वाली होती है, एक बगैर लाइट की होती है, दोनों कमाल की हैं। और ये थोड़ी सी लेटेस्ट है, उससे नया मॉडल आया है 416 टीगल का, ये भी कमाल का मॉडल है। तो इंशाल्लाह इसकी भी आपको फर्स्ट लुक दिखाते हैं। जो स्प्रिंगर पे जो बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिन लोग भाइयों को मसला हो रहा है, एक हज़ार रुपये स्प्रिंगर बार बार ज़ीरो आउट कर जाती हैं, स्कोप्स ना टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए एक तोहफा है। तो हमारी कोशिश होती है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप तक पहुँचाएँ, आपको रिकमेंड करें। और अगर किसी ने हमसे कोई मशवरा करना है गन के हवाले से, सेलिंग लेने के हवाले से या सेल करने के हवाले से, तो मेरा नंबर है, नाम मेरा सैयद खिज़र अब्बास है, 0321-756-56-57 ये मेरा नंबर है, और अबू बकर भाई का नंबर है 0370-70-871। तो
तो इस इन दोनों नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप इजीली ले सकते हैं। और दूसरी छोटी सी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, किसी गन की अगर किसी स्प्रिंगर की आपने मार्केट वैल्यू चेक करनी है, रेट पूछना है कि जरा ये कितने के है, पैलेट्स की प्राइस क्या चल रही है, स्कोप की प्राइस क्या चल रही है, डेयर वो ऑनलाइन आप वहाँ से जाके ना आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि जरा ये इस चीज़ की प्राइस बता दो, बाज़ हम भी बिज़ी होते हैं, इस वजह से हम प्राइस नहीं बता सकते, क्योंकि अक्सर कस्टमर जो लेने वाले होते हैं फिर उनको हमने बताना होता है कि इस प्रीमियर के ऊपर कौन सी स्कोप लगेगी, कि कौन से पैलेट आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारा तो आप देखें डीलर की तरह काम नहीं है, डीलर तो जो बैठे हैं शॉप के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने आपको आप मर्ज़ी वहाँ से एक उठा लेंगे और घर जाके उसकी सेटिंग वेटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम अक्सर जो भी हमारे पास एयर राइफल्स आती हैं या अक्सर को हम टेस्ट करते हैं फील्ड में लेकर ले जाके, फिर हमें पता होता है कि इसके ऊपर कौन सी स्कोप नाकाम रही है, कौन सी कामयाब रही है, कौन से पैलेट इसमें चले हैं, कौन से पैलेट इसमें नाकाम रहे हैं, तो हम आपको वेरीफाई करके ओके चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ आप इसके ऊपर इस्तेमाल करें, आपको टेंशन नहीं होगी। ये देखें फर्स्ट लुक देखें टी ईगल की, बहुत ही प्यारी दिलकश स्कोप है, ये माउंट इस टू पीस इसके साथ। और ये देखें फर्स्ट लुक आपको दिखा रहे हैं टी ईगल का, ये कैसी स्कोप है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पर्दे के अंदर ही पर्दे, सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखा गया है। और एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ये इसके कवर कमाल के, डिस्कवरी से भी बेटर हैं इसके कवर, ये देखें माशाल्लाह, फिनिशिंग देखें बहुत ही कमाल की, ये स्कोप है टी ईगल 41644 AO, क्या लिखा हुआ है आगे ये बता दें, AOEG, ठीक है, जिसको अप डाउन लेफ्ट राइट, ये थोड़ा सा ऊपर प्रेस करके ऊपर उठा के फिर इसको लेफ्ट राइट अप डाउन करना है, ये नहीं यहाँ से घुमा देना है फिर स्कोप का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये भी ठीक हो गया, पीछे पीछे खींचेंगे उसके बाद लॉक इसका खुल जाएगा, इसको लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे यहाँ से नहीं, पहले नहीं घूमेगी। और ये जो अगली दूसरी साइड पे है वो क्या चीज़ है, ठीक है, फोकस कहाँ पे गया हुआ है, उसी हिसाब से मतलब फोकस वो सेट करेंगे। तो ये भी अबू बकर भाई की मेहरबानी, अपने कस्टमर को बताते हैं कितना जूम रखना है, फोकस कहाँ पे रखना है, ये बाद में पूरी डिटेल के साथ उनको समझाते हैं ताकि उनको फील्ड में ले जाते वक्त कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ये इसके डस्ट कवर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बास स्कोप्स के साथ डस्ट कवर नहीं आते, इनके साथ डस्ट कवर हैं। माउंट की हम बात करते हैं, माउंट इसके जो हैं इनकी क्वालिटी हम देखते हैं कैसी क्वालिटी है इनकी, जी बताएं माउंट की, ये देखें टू पीस माउंट है, अच्छी क्वालिटी है इनकी, ठीक है। बाकी आप देखें इस स्कोप की जो प्राइस है 11,000 है, 11,000 रुपये, अभी रिसेंटली इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, हज़ार रुपये बढ़ा है, तो आप जो न्यू रेट है इसका 12,000 के करीब करीब है। और प्रीमियर का जो रेट चल रहा है वो 40,000 है, 40 या 42,000 के लगभग चल रहा है, तो ये प्रीमियर का रेट है इसका। इंशाल्लाह हम एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो करनी है, उसके बाद हमने इस जो इसकी FPS पे चेक करें, क्या कहते हैं आप, हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, अभी हमने एक और अनबॉक्सिंग वीडियो करनी है, तो उसमें इंशाल्लाह इसके में साथ में FPS भी इंशाल्लाह हम साथ में ये वीडियो छोटी सी बना के ना ऐड कर देंगे, इसकी FPS भी चेक करते हैं इंशाल्लाह। तो ओके करें अबू बकर भाई, ओके हो गए डन। कॉल की है, ये देखें कैलिबर लिखे 0.5.5 0.22 कैलिबर लिखा हुआ है, इसके अलावा इसकी फिनिशिंग देखें, बाट की फिनिशिंग देखें माशाल्लाह कमाल की है। ये देखें जहाँ पे फिनिक्स 400 थोड़ा सा नाकाम गया है, लेकिन इसकी आप देखें फिनिक्स प्रीमियर की क्या ही बात है, आप बाट की शाइनिंग चेक करें, क्वालिटी चेक करें, क्या फिनिशिंग है माशाल्लाह। ये मैंने दूसरी साइड आपको दिखा रहा हूँ इसकी, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जहाँ पर डिज़ाइनिंग भी की गई है इसके साथ, ये खुरदरापन इसमें डिज़ाइनिंग इस वजह से दी गई ताकि आपकी ग्रिप मजबूत रहे। बाकी सेफ्टी लॉक इसके पीछे दिया गया है, ये इसका ट्रिगर हो गया, ट्रिगर भी इसका ज़बरदस्त है, नरम है, ये रबड़ पैड वाट पैड जिसको कहते हैं आप। बाकी आप साइड की देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत किस्म की साइड लगाई गई है, ये देखें सेफ्टी लॉक, ये यहाँ पे खड़ा है सेफ्टी लॉक, और यहाँ देखिए कोमेटा कहाँ लिखा हुआ है, ये साइड पर आप देख सकते हैं। कोई
ये देखिए आपको स्कोप की बिल्ड क्वालिटी दिखा रहा हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कमाल की है। ये डस्ट कवर आगे लगे हुए हैं, ये देखिए। बाकी अबू बकर भाई लॉक का बता रहे थे, लॉक को थोड़ा साफ से करें ऊपर, यहाँ से दिखा दें जूम, यहाँ से दिखा देता हूँ। इसको पीछे खींचने, ये लॉक खुल गया इसका, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसको प्रेस करें आगे, ये बंद हो गया, ठीक है। आगे देखें खोलें, इसको ऊपर करें, ये ऊपर हो गया लॉक, इसका खुल गया, ये लेफ्ट राइट अप डाउन, ये सारा कुछ करके इसको फिर प्रेस कर दें। क्योंकि नए जो हंटर हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता तो यहाँ से घुमा देते हैं, कहाँ से जोर लगाते हैं वो घर भाई, ये ऐसे लगाते फिर ये सारी स्कोप का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है ना। डस्ट कवर दिखाएं अब वो घर भाई, ये देखिए डस्ट कवर की बिल्ड क्वालिटी, देखिए माशाल्लाह बहुत ही कमाल की क्वालिटी है, ये देखें। और बैग दिखाएं, ये भी देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ओके करें।